जीजू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आजकल आप मुझे हर रोज कॉलेज से लेने और कॉलेज छोड़ने क्यों आते हैं? क्योंकि निकी, जमाना बहुत खराब है। वो मुझे दिख रहा है। वो क्या है ना निकी, मेरा धर्म है तुम्हें लोगों की बुरी नजरों से बचाना। जीजू, लोगों की बुरी नजरों से तो आप मुझे बचा लेंगे, लेकिन आपकी बुरी नजरों से मुझे कौन बचाएगा? ऐसा मत कहो निकी, मैं मानता हूँ कि मेरी नजर तुम पर है, लेकिन उसे बुरी नहीं कह सकते। हाँ ठीक है ठीक है। जीजू, आपको नहीं लगता कि गर्मी बहुत है? अरे बहुत गर्मी है निकी, इतनी गर्मी है कि आजकल मुर्गी अंडे नहीं देती, डायरेक्ट ऑमलेट की डिलीवरी करती है। जीजू, मुझे पानी पीना है, मिनरल वाटर प्लीज। मिनरल वाटर? अभी तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर देता हूँ। निकालो 20 रुपए। क्या आप अपनी साली के लिए मिनरल वाटर के 15-20 रुपए नहीं खर्च कर सकते? मैं 20 रुपए आराम से खर्च कर सकता हूँ निकी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे पर्स में जो 20 रुपए का नोट है और तुम्हारे पर्स में जो 20 रुपए का नोट है, क्या वो सेम है? हाँ हाँ, नहीं मैं मतलब जा रहा हूँ मिनरल वाटर। यू वॉन्ट मिनरल वाटर? आई गेट मिनरल वाटर। यहाँ तो सिर्फ लड़कियों की फोटोज हैं, अब लड़कियों की फोटोज के बदले में ये मेरे को मिनरल वाटर तो देगा नहीं। उल्लू बनाता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप ये मिनरल वाटर जो ये पानी जो है ये आप उस नदी से भरते हैं? उस नदी से? उस नदी? कौन सी नदी भाई? अरे अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें? 5 रुपए का मिनरल वाटर चोरी करते हो। 5 रुपए का मिनरल वाटर? मैंने तो सुना है कि मार्केट में मिनरल वाटर की कीमत कुछ 10-15 रुपए है। ये वो मिनरल वाटर नहीं है, ये तो मैं अपने घर में बनाता हूँ, 100% होममेड। 100% होममेड? पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई आदमी अपने घर पे मिनरल वाटर बनाता है। वो क्या है कि मैंने अपने घर में प्लांट लगा रखा है। हाँ हाँ, तुम्हारे घर में प्लांट है ना, जिसमें मिनरल वाटर बॉटल की कली खिलती होगी, उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पूरी खिलकर मिनरल वाटर की बॉटल बनती होगी, है ना? मेरा मतलब है प्लांट के बजाय मैं मशीन लगा रखी है। अरे किसे उल्लू बना रहे हो, मैंने तो सुना है कि मशीन बहुत महंगी आती है मिनरल वाटर बनाने की। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो मैंने अपनी माँ के सारे जेवर बेचकर यह मशीन लगाई है, ताकि मैं अपना और अपनी माँ और अपने छोटे छोटे भाई बहनों का पेट भर सकूं। आपको कितने भाई बहन हैं? 12। 12 भाई बहन? आपके घर में मिनरल वाटर की मशीन के बाजू में बच्चे पैदा करने की मशीन भी लगाई हुई है क्या? उड़ा लो मैडम मजाक, उड़ा लो आप हमारा। आप क्या जाने कि हम गरीब किस तरह अपना पेट पालते हैं। माँ, जीजू मुझे इस पे बहुत दया आ रही है। हाँ मुझे। भाई साहब, आप मुझे सारी बॉटल्स दे दीजिए। सारी? हाँ हाँ सारी। कितने पैसे हुए? 100 रुपए, 20 बॉटल के। अच्छा अच्छा ठीक है, 100 रुपए। 100 रुपए दे रही हूँ जीजू, ये लीजिए। हाँ ये लीजिए। अब मैं ये सारी, तो आप उठा लीजिए। हाँ उठा लेता हूँ। देवी, मैं आपका ये एहसान किस तरह उतारूंगा, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके हाथ पे किस करके आपको प्रणाम कर सकता हूँ। दूर से प्रणाम कर, बड़ा रोमांटिक तरीका तेरा एहसान उतारने का। किस मैं करता हूँ, प्रणाम तू कर। प्रणाम देवी। दो पुत्र बता भव। चलिए चलिए, आप ये उठाइए। निकी, काश इन बोतलों की जगह तुम होती, लाइफ बन जाती। जीजू, काश इस वक्त यहाँ दीदी होती तो आपके चेहरे पर चांटों के निशान बन जाते। अरे जरा शुभ जो। निकी, ये साइकिल मैंने कहीं देखी हुई है। जीजू, ये डायलॉग यूजुअली लड़कियों को पटाने के लिए मारते हैं। नहीं नहीं, वाकई में ये एक साइकिल मैन। 100% मिनरल वाटर? अरे ये तो उस आदमी की साइकिल है जिसने हमें ये बॉटल बेची। हाँ हाँ, लेकिन ये हमारे कंपाउंड में क्या कर रही है? पता नहीं आज भैया जल्दी बहुत आ गए, क्या बात है? अरे हाँ भाई, आज दरअसल मेरी सारी बोतलें एक गधे जैसे लड़के ने और उसके साथ में प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की ने खरीद ली। क्या बात कर रहे हो, सारी बोतलें खरीद ली? हाँ। कौन थे वो लल्लू? वो हम थे। आप यहाँ? जी हम तो यहाँ है, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रहोगे। जीजू शुरू हो जाओ। यस निकी, अभी डांटता हूँ। ए मिस्टर। जीजू डांटना नहीं। समझ गया। नहीं, तू तो नहीं, गया काम से। आज खुश तो बहुत हो गए। क्या रघु, तेरी हालत तो उस लिफाफे की तरह हो रही है। एक मिनट,
जिसके ऊपर दुनिया भर के पोस्ट ऑफिस की मोहरें लगाई गई हो। सॉरी 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 सॉरी। कितने आदमी थे? थे नहीं था, एक दगाबाज धोखेबाज जो मुझे और निकी को नकली मिनरल वाटर की बॉटल्स बेच गया। क्या नकली मिनरल्स वाटर्स की बॉटल्स? ये तो वो वाली बात हुई ना कि पिक्चर में दिखाएंगे मनीषा कोइराला को, पर दिखा दिया असली में महमूद को, और वो भी लड़की के गेटअप में। ऐसे होते लोग। लेकिन लेकिन रघु, वो नकली मिनरल्स वाटर्स की बॉटल्स है कहाँ? है? जैसे जैसे मैं और निकी उल्लू बने थे, हाँ? वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाकर वो सारे मिनरल वाटर की बॉटल्स बेच दी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने पहचाना नहीं कि वो नकली मिनरल वाटर्स की बॉटल्स नकली है? किसी ने नहीं पहचाना सिवाय के एक आदमी ने, जो कई सालों से पीले पानी को कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में बंद करके कोल्ड ड्रिंक बनाकर बेचता है, उसी ने मेरी ये हालत की। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि नकली कोल्ड ड्रिंक्स और नकली मिनरल्स वाटर्स बॉटल्स का धंधा बहुत जोरों से चल सकता है। अरे चल क्या सकता है मामा, चल रहा है। आप कहीं पागल तो? मामा, आप इसलिए हंस रहे थे ना क्योंकि आपके दिमाग में भी वही महान आइडिया आया है जो मेरे दिमाग में आया है। ग्रेट थिंकिंग पीपल अलाइक। नहीं मामा, ग्रेट अलाइक पीपल थिंकिंग। या द मीनिंग इज द सेम। तू भी वही सोचता है जो मैं सोचता हूँ। मेरी माँ सही कहती थी, मोहल्ले के 100 गुंडे शहीद हुए थे तब मेरा जन्म हुआ था। मयूरी मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स मयूरी मिनरल वाटर सॉलिड। निकी, हम स्टिल कैमरे से स्टिल फोटो निकाल रहे हैं, इसमें तुम्हारे डायलॉग नहीं आएंगे। तो क्या हो मामा जी, वो होता है ना लोग किसी की तस्वीर देखकर कहते हैं अरे इसकी तो तस्वीर भी बात करती है, मैं भी कुछ ऐसी फोटो खिंचवाने की ट्राई कर रही हूँ। हमें बात करती हुई तस्वीर नहीं चाहिए, हमें एक स्माइल करती हुई तस्वीर चाहिए, इसलिए प्लीज आप एक अच्छी सी स्माइल लीजिए। ओके ओके। और डक्कन और जमना, जरा प्लीज पेंटिंग को हिलाते रहो। क्यों? ताकि लगे कि नदी बह रही है, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि ये पेंटिंग है। मामा जी सॉलिड है। मामा जी ये स्टिल फोटो है। सॉलिड है। सॉलिड है। पता है मेरे को, समझे? मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, लेकिन पेंटिंग फिर भी हिलाते रहो। ओके रेडी? रेडी। 1 2 3 गो। यस, वन मोर विद अ बिगर स्माइल। शहर में एक नई मिनरल वाटर की बोतल का प्रवेश, एक अनजानी सी नदी मयूरी नदी, जो बोतल के निर्माताओं के अनुसार देश की सीमाओं के पास कहीं बहती है। कहा गया है कि इस नदी के पानी को खुद कंपनी वाले जाकर नदी से भर कर लाते हैं, और गारंटी दी है कि इस नदी का पानी पीने से कई बीमारियां पूर्णतः दूर हो जाएंगी। दूर हो जाएंगी नहीं, बल्कि चलकर पलंग के पास आ जाएंगी। लाओ भाई ये लीजिए। एक मिनट मामा जी। मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ बे? आपने कहा था कि निक्की की फोटो में सीनरी पकड़े हुए हमारे हाथ भी आएंगे, कहाँ आए देखिए। अबे यार तुम लोग तो अकल से बिल्कुल पैदल हो, इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती कि अगर तुम्हारे हाथ इस फोटो में आ जाते तो लोगों को पता नहीं चल जाता कि असली नदी नहीं है, ये सीनरी की फोटो है। धोखा तो किया ना आपने। अरे कोई धोखा नहीं हुआ यार, तुम देखो, देखते ही देखते अब तुम्हारी फोटो अखबारों में छपेंगी, प्रेस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ अरे उस समय बहुत वक्त लगेगा अभी। अरे कोई वक्त नहीं लगेगा, रघु और कंचन मार्केटिंग करने चले गए हैं, अब देखना एक बड़ी सी गाड़ी आके हमारे घर के पास रुकेगी और एक बड़ा सा ऑर्डर देगी। सच? अरे बिल्कुल सच, तू 6 अंडे का ऑमलेट बना के ला बस। अच्छा पागल है। आलू की सब्जी आनी, बैंगन का भरता, दोनों से नमकाई का। अरे देवा, अभी कंपनी शुरू पर नहीं हुई, अंडा का डालने के लिए लोग आ गए। भैया नेता जी आप? नमस्कार नमस्कार। क्या शुक्ला परिवार यही रहता है? ये एकदम करेक्ट। अब उनको मिलने को आए? मिलने को नहीं, उनकी हालत खराब करने आया हूँ। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी आप लोगों ने मयूरी मिनरल वाटर बनाकर। लो
अभी बॉटल अच्छे से पैदा पर नहीं हुए और आप उनकी बरसी मनाने को चले आए। अरे बरसी नहीं, कंट्रोवर्सी। आप लोगों ने कहा कि आप लोग मयूरी नदी से पानी लाते हैं जो हमारे देश की सीमाओं पर है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये नदी हमारे पड़ोसी देश में बहती है और उन लोगों का इल्जाम है कि हम लोग गैर कानूनी तरीके से उनकी नदी से पानी चुरा कर अपने देश में बेचते हैं। क्यों टिंगू पिंगू? यस सर। मरवा दिया आप लोगों ने। अरे नेताजी एक मिनट, रुको रुको रुको, कहना आपकी फैमिली गलत हो गई है। क्या? मेरा मतलब आपको गलत फहमी हो गई है। कहना मयूरी नदी का नाम तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, ये देखो विज्ञापन देखो। अरे देखो नहीं नेताजी, वो का है ना, किसी विलन ने ना ये झूठा ट्रेलर बनाया है, ये फिल्म तो हम लोगों ने बनाई ही नहीं है। इसकी बात पे भरोसा किया जाए? नो सर। तो फिर क्या किया जाए? तलाशी ली जाए। ठीक है, चलो हरेश हप। अरे आता बाकी की शूटिंग जेल में करेंगे काय? अरे नेताजी रुको। अरे अरे रुको। वाह नेताजी, अब तो नेता लोग भी आने लगे। मामा जी। अरे मेरी बात सुनो, उतर उतर कुछ नहीं बाबा। अरे बाबा मेरी बात सुनो। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए। क्या हुआ, कोई कस्टमर आया क्या? अरे कस्टमर नहीं, बहुत बड़े नेताजी आ रहे हैं। लगता है हमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ठेका मिलने वाला है। क्या? हाँ वो लोग ऊपर आ रहे हैं। अच्छा ढक्कन निकी, एक्शन। अरे सब फोन मत उठाओ यार। रुको रुको, बोला ना मैंने बाबा इसके आगे मत जाओ। आगे ना हम लोगों ने गाय भैंस का चारा रखा है और कुत्ते का बिस्किट पन रखा है, एकदम गंदी बास आती है। हेलो, यूपी में 1 लाख बॉटल सप्लाई करनी है। हाँ हो जाए, डन। हेलो, हाँ जी, राजस्थान से महावीर शेखावत साहब, कैसे हैं? 50,000 बॉटल। हाँ डन डन। नहीं नॉट डन, उनको बोलो हम 1 लाख बॉटल से कम का ऑर्डर नहीं लेते। महावीर साहब क्या है कि हम 1 लाख बॉटल से कम का ऑर्डर लेते नहीं है। डन। हाँ डन, ओके। कहिए, हम ये जानना चाहते हैं कि मयूरी नदी बहती कहाँ है। अगर हम आपको बता देंगे कि मयूरी नदी बहती कहाँ है तो आप अपनी फैमिली के लिए वहां से पानी की बॉटलें भर के नहीं ले आएंगे? देखिए देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में मयूरी नदी बहती कहाँ है। हाँ, 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 तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा। हाँ अभी अभी हमारे कंपनी के जनरल मैनेजर वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स लेकर पानी भरने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। टिंगू पिंगू, ये नक्शा अपने कब्जे में ले लो। क्यों 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 क्यों? वो इसलिए कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में मयूरी नदी बहती है भी या नहीं। अगर 2 दिनों के अंदर वो नदी नहीं मिली तो आप सब अंदर। खबरदार, अगर तुमने इन्हें नक्शा उतारने से रोका तो सर मैं अपने हाथों से उतार के दूंगा। गुड, दैट्स गुड। मामा जी। ओ रघु, दूसरा खरीद लेंगे। चलो शॉपिंग करके आए, चलो शॉपिंग करके आए। मामा जी मुबारक हो, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हर घर हर ऑफिस से हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं मामा जी, और कई लोगों ने तो एडवांस पेमेंट भी दिया है। और उस पेमेंट से हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। ये नेकलेस, ये एक साड़ी, ये सोने का चेन, ये सारे कपड़े। पर हम लोग मामा जी के लिए कुछ लाए? अरे उदास क्यों होते हैं मामा जी, आपके लिए भी लाए हैं भाई। ये बनियान लाए हैं और ये बहुत ही महंगा शूलेस। मेरे जूते में शूलेस की जरूरत नहीं है और मुझे हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। तो ला दे। पर हो क्या गया है, हम लोग फिर फंस गए हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने मयूरी नदी ढूंढने का ऑर्डर दिया है। हाँ तो ढूंढ ले। क्या? और अगर नहीं ढूंढा 2 दिन में तो वो हमें ऐसे जहाज में बैठा के समुद्र में छोड़ आएंगे जिसमें छेद होगा। बाबू मोशा है, फिर तो अपना टाइटैनिक पार्ट 2 हो जाएगा रे। शांत शांत, हर मुसीबत का सामना मुस्कुराकर करना चाहिए। हाँ
कैसे मुस्कुराएंगे? मेरा मतलब है कि उस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? अरे यार रघु रुक, क्या थ्योरी है तेरी? मुसीबत से भागकर मुसीबत का सामना करना, मुसीबतों से भागते हुए मुस्कुराकर भागो। पूरा देश अपने पीछे पड़ा है, किधर ना किधर तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ रघु, ये इंटरनेशनल इशू हो गया है। डोंट वरी, मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया है। अब से थोड़ी देर बाद हमें एक बोट मिलेगी जो हमें देश से बाहर ले जाएगी और फिर हमारे सारे मुसीबतों का हल हो जाएगा, समझे मामा डार्लिंग? अरे कौन है? ये हमारा सामान कहाँ गया? और हमारे जाने की खुशी में कोई पटाखे फोड़ रहा है? पटाखे नहीं फोड़ रहा है, कोई गोलियां चला रहा है। मैंने नहीं चलाई है। किसने चलाई गोली? हमने चलाई, घेर लो, चलिए। अरे आप इतने प्यार से बोल रहे हैं तो चलना पड़ेगा। अरे मामा, निक्की तेरे ढक्कन चमुना, काम मर गए सबके सब। एक मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी का भांडा फोड़। अब तो गए यार। मामा कोई आइडिया नहीं आ रहा? हमारा जेल जाना पक्का। ये आइडिया है? हंसो नहीं, तुम्हारा जेल जाना भी पक्का है। मैंने पहले ही कहा था फंसाएंगे ये लोग। ए चलो, कहाँ? हमारे साथ। इतने प्यार से बोल रहे हैं तो चलो। हाँ चलो चलो, चलो। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। चलो हाँ चल रहे, गोली मत मारना। मामा सबके सामने मारेंगे क्या? वहाँ नहीं, यहाँ आइए। यहाँ मारेंगे, दोनों को मुर्गा बनाएंगे। अरे मुझे मुर्गा कैसे बनाएंगे? पता नहीं। नमस्ते। नमस्ते जी। दोस्तों, आज की सभा इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है ताकि आप लोगों के मिनरल वाटर बिजनेस में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट पर एक नजर डाली जा सके। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपके बिजनेस में कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, नकली बोतलें बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल हो। इतने जूते मारे जाएं इनके सर पर कि इनके आने वाली सात पुश्ते गंजी पैदा हों। कौन है वो? सामने लाओ उसे। शांत शांत शांत, आप लोगों की धैर्य की सीमा समाप्त होती है। हम उस दोषी को आप लोगों के सामने लेके आते हैं, उसका नाम है सीएल सिंह। मामा ये तो वही है। फिर इसने हमें यहां क्यों बुलाया? आप लोगों को? अरे आप लोग तो एग्जाम्पल है इस बिजनेस में। हमें नमूने बुला रहे हैं, लगता है अब हमारे ही नाम लेंगे। आप लोगों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे आज तक कोई नहीं कर सका, यानी कि इस देश में मयूरी नदी की खोज। अंकल टांग खींच रहे हमारी। और समाचार ये है कि आप लोगों ने जो जगह हमें बताई थी उस जगह पर मयूरी नदी मिल गई है। क्या? जिसके लिए हमारी सरकार ने आप लोगों को 11,000 रुपए देने की घोषणा की है। Yeah!